हेलो गाइज, वेलकम बैक टू टेलीफूड अपडेट्स। सो गाइज, आजकल हर जगह ये ड्यून टू का नाम चल रहा है, तो आइए क्विक रिव्यू में तेजी से देख लेते हैं कि क्या आपको ये मूवी देखनी चाहिए या फिर नहीं। तो इसका रिलीज़ हुआ था 1 मार्च को हमारे इंडिया में, और फर्स्ट डे फर्स्ट शो ही मैंने जाकर देख लिया था। और गाइज, अब मैं बताऊं कि मुझे क्या क्या अच्छा लगा इस मूवी में। सबसे पहले परफॉर्मेंसेज, एक्टिंग सबकी अच्छी थी, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंसेज है। जो मेन लीड्स हैं उनकी केमिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, और जो मूवी के डायरेक्टर हैं डेनिस विलेन्यूव, अगर आप उनकी मूवीज़ देखते रहते हैं तो आप उनके स्टाइल के साथ फेमिलियर होंगे। और उनका स्टाइल यही है कि अच्छे डायरेक्टर्स यही करते होते हैं, हर एक्टर से काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस निकलवा लेते होते हैं। और जो मूवी की कास्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया ही है। मूवी में अलग अलग हमें काफ़ी बड़े बड़े नाम देखने को मिलते हैं, मेल लीड्स में भी और फीमेल लीड्स वाली साइड पर भी। सपोर्टिंग कास्ट भी काफ़ी बड़ी है इस मूवी की। तो गाइस, परफॉर्मेंस सबकी टॉप नॉच थी। म्यूज़िक की बात करते हैं, म्यूज़िक एक काफ़ी बड़ा फैक्टर है ड्यून को देखने का, बिकॉज इसका म्यूज़िक दिया है हांस जिमर ने, और हांस जिमर हॉलीवुड में बहुत ही ज़्यादा जाने माने कंपोज़र हैं। जो भी म्यूज़िक देते हैं बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है हर मूवी के लिए। उनके म्यूज़िक भले ही वो डार्क नाइट वाले हों, लायन किंग वाले हों, या फिर मैन ऑफ स्टील जैसी मूवीज़ के लिए हों, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहे हैं। लेकिन म्यूज़िक जो पार्ट 1 का था वो मुझे थोड़ा बेटर लगा था, बिकॉज ज़्यादा ट्रैक्स थे उसमें, और पार्ट 2 में उतना म्यूज़िक नहीं है जितना कि पार्ट 1 में था। बट स्टिल काफ़ी बढ़िया क्वालिटी वाला, बट काफ़ी लाउड म्यूज़िक है। जो मूवी की साउंड डिज़ाइन है वो बहुत ही अच्छी है, और थिएटर में देखने के लिए ही बनी है, तो थिएटरिकल एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है मूवी का एक्चुअली। अब मूवी की क्वालिटी के ऊपर आते हैं। तो गाइस, मूवी की क्वालिटी वैसे ऑब्जेक्टिवली देखा जाए फिल्म मेकिंग के व्यू से स्टार्टिंग से एंड तक पीक है, काफ़ी अच्छी है। लेकिन अब मैं अपने ओपिनियन के बारे में बात करूं तो मुझे फर्स्ट हाफ मूवी का काफ़ी अच्छा लगा है, काफ़ी एंगेजिंग है, यानी कि आपको मूवी में बनाए रखता है। जो सेकेंड हाफ है, यानी कि हमारे जब इंटरवल हो जाता है उसके बाद वाला हाफ जो है वो थोड़ा स्लो पड़ जाता है, बिकॉज मूवी की कहानी इस तरह की है, थोड़ी लेंथी है, तो वो स्लो होना मायने रखती है। बट मेरे हिसाब से मूवी जब स्लो होगी सेकेंड हाफ में तो उतना एंगेजिंग नहीं लगी जितनी कि फर्स्ट हाफ में मुझे लग रही थी। और फर्स्ट हाफ में कैरेक्टर डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा थी और वो चीज़ें देखनी अच्छी भी लग रही थी। सेकेंड हाफ में थोड़ा एक्शन है बट स्टोरी उस तरह से डेवलप नहीं होती जिस तरह से हम चाहते होते हैं। बट हाँ, सबके ओपिनियन अलग हैं, मूवी तो अच्छी है बट मेरे हिसाब से फर्स्ट हाफ वॉज बेटर। और इसी के चलते हुए अगर हम ड्यून पार्ट 1 से कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा लोगों को ड्यून पार्ट 2 पसंद आ रही है, लेकिन मेरे ओपिनियन में मुझे ड्यून पार्ट 1 थोड़ी ज़्यादा एक्साइटिंग लगी थी, थोड़ी ज़्यादा बेटर लगी थी ड्यून पार्ट 2 से। बट जो थिएट्रिकल एक्सपीरियंस है वो दोनों का ही अच्छा था, और पार्ट 2 का भी बढ़िया रहा है। मूवी की स्टोरी के ऊपर आते हैं। तो गाइस, मूवी की जो स्टोरी है वो ज़्यादातर वर्ल्ड बिल्डिंग में ही जा रही है। फर्स्ट वाली मूवी में भी यही हुआ था, सेकंड मूवी में भी यही हुआ था, ये कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अभी जो ड्यून बुक्स जिस पे बेस्ड है उसकी जो मेन वाली स्टोरी है वो अभी तक मूवीज़ में स्टार्ट नहीं हुई है। अभी तक ज़्यादा करेक्टर के साथ कुछ किया नहीं किया गया है, आने वाले सीक्वल्स में वो किया जाएगा। डायरेक्शन के बारे में बात करें तो एज़ ऑलवेज डेनिस विलेन्यूव की जो डायरेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्शनल है। इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी मूवीज़ बनाई, और मेरी वन ऑफ द बेस्ट मूवीज़ ऑफ ऑल जो मुझे लगती है प्रिजनर्स, वो भी इन्होंने ही बनाई थी। तो इनकी डायरेक्शन बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है। विजुअल्स के बारे में बात करें तो सिनेमाटोग्राफर ने बहुत ज़्यादा तगड़ा काम किया है। मूवी के विजुअल्स बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं, जब आप थिएटर में बड़ी स्क्रीन पर देखेंगे, स्पेशली अगर आप IMAX पे देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा ग्लोरियस लगता है सब कुछ। और अब मैं सारा कुछ बाइंड अप करके अपना एक ओवरऑल रिव्यू दूँ तो गाइस वो ये है कि स्टोरी के मामले में मुझे ड्यून पार्ट 2 कुछ खास स्टोरीज की नहीं लगी, लेकिन इसकी जो स्टोरी बिल्डअप हो रही है आने वाले टाइम में बहुत एक्साइटिंग होने वाली है। और जो जो चीज़ें इसमें हो रही हैं, जो कि आगे चलकर हमें उसके कंसीक्वेंसेस देखने को मिलेंगे, वो सब बहुत एक्साइटिंग होने वाले हैं। वो मेन स्टोरी होने वाली है जो कि पार्ट 3 पार्ट 4 उनमें हमें देखने को मिलेंगी। फिलहाल के लिए जैसे कि पार्ट 1 था वैसे ही पार्ट 2 भी ज़्यादातर हम कह सकते हैं थोड़ी इंट्रोडक्शन टाइप ही है, बिकॉज मेन वाली कहानी अभी भी शुरू नहीं हुई। लेकिन जो मूवी का एक्सपीरियंस है थिएटर्स वाला वो है इतना ज़्यादा ग्रैंड, वो आप अकेली वो चीज़ मैटर करती है कि आप थिएटर में जाकर ज़रूर इसको देख लीजिए, बिकॉज इसके जो सीक्वल्स बनने वाले हैं वो डेफिनेटली और भी ज़्यादा बेटर होने वाले हैं। ये है मेरा रिव्यू, वर्थ वॉचिंग डेफिनेटली है, थिएटर एक्सपीरियंस इस मूवी का मस्ट है। लेकिन अगर आपको इस डायरेक्टर का जो स्टाइल है वो पसंद है तब ही मूवी देखने जाइए, बिकॉज अगर आप इस स्टाइल के साथ फेमिलियर नहीं है तो हो सकता है आपको मूविंग जो है बोरिंग लगे। तो ऐसे और क्विक हिंदी मूवी रिव्यूज़ के लिए सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिए, और करूँ या फिर नहीं कमेंट्स में बता जो। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।